बीजेपी और कांग्रेस इन दिनों घोषणा पत्र को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अब तक 3 प्रमुख घोषणाएं की हैं, वहीं बीजेपी भी आवास संबंधित कई वादे करती नजर आ रही है। 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के लिए घोषणा पत्र ही गेम चेंजर साबित हुआ था। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां इस बार अपने घोषणा पत्र पर विशेष ध्यान दे रही हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक जातिगत जनगणना, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदना और 17,50,000 परिवारों को आवास देने का वादा किया था। लेकिन आज यानी कि 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस सरकार आते ही पूर्व की तरह इस बार भी हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने गरीबों को 75,000 में मकान देने और पीएससी में हुई गड़बड़ियों को लेकर जांच करवाने का वादा किया है। फिलहाल दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी नहीं किए हैं। इसी कड़ी में घोषणा पत्र को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम जब विपक्ष में थे तो हमने कई घोषणाएं की थी, किसानों की कर्ज समेत कई वादे हमने जनता से पहले ही कर दिया था, लेकिन बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इन्होंने अब तक कोई घोषणा नहीं की है। इनके इतने केंद्रीय नेता यहाँ आ रहे हैं लेकिन उन्होंने भी छत्तीसगढ़ के लिए कोई घोषणा नहीं की है। बता दें कि घोषणा पत्र समिति की अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। सितंबर महीने में हुई बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल हुई थी। इस बैठक के बाद अब अंतिम बैठक 25 अक्टूबर तक हो सकती है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। घोषणा पत्र को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जल्द ही जारी होगा, हमने कई वादे फिर से जनता से किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी चुनावी वादे को लेकर मौन और सदमे में है। चलिए जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में क्या क्या घोषणाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले महिलाओं और महंगाई पर कांग्रेस पार्टी का फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश की तरह ही नारी सम्मान योजना की तर्ज पर घोषणा हो सकती है। गोबर 2 रुपए प्रति किलो की जगह 5 रुपए करने की सहमति बन सकती है। तो वहीं 200 की जगह 250 से 300 यूनिट तक बिजली बिल हाफ किया जा सकता है। सिलेंडर में सब्सिडी की घोषणा की जा सकती है। तो वहीं शहरी इलाकों में गरीबों को आवासीय पट्टा देने की घोषणा कांग्रेस सरकार कर सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं को ज्यादा पारदर्शी बनाने संबंधित प्रावधान और सभी वर्ग के गरीबों के लिए कोचिंग फ्री किए जाने की भी घोषणा कांग्रेस पार्टी कर सकती है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का फोकस युवाओं पर भी है। महिलाओं के लिए रीपा का विस्तार हर गौठान तक करने की भी घोषणा कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में क्या क्या हो सकता है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले धान खरीदी और किसानों के लिए बीजेपी बड़ी घोषणा करने की तैयारी में है। एमपी की तर्ज पर लाडली बहना योजना जैसी भी घोषणा लाई जा सकती है। आरटीओ के बैरियर भाजपा बंद कर सकते हैं। भाजपा प्रदेश में रुकी हुई भर्तियों को बहाल करेगी। उसके साथ ही किसानों के बोनस का ऐलान भी कर सकती है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने, प्रदेश के बेरोजगारों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भाजपा दे सकती है। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र से आप क्या उम्मीद करते हैं ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें।